मैडम से पूछ अपना से रिक्वेस्ट किया मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे हाथ हम हूं हाथ है जोड़े हैं नहीं बस भैया मैं समझ रहा हूं लेकिन एक बार मिलेगा तो बंद क्यों हुआ मैं इसके लिए जानकारी चाहता हूं अपना रिचार्ज था लेट चल रहा था उसमें लेट चल रहा था रिचार्ज आपको मैसेज आया होगा सर हमारी सिम जो है 6 महीने के लिए रिचार्ज थी और वो लाइट कर लो भाई 6 महीने के लिए रिचार्ज थी अचानक उससे नेटवर्क चला गया मैं सीधी का रहने वाला हूँ कलेश तिवारी हमारा नाम वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि सपना जाना पड़ेगा आपकी सिम पोस्टपेड हो गई पोस्टपेड हो हाँ प्रीपेड सिम थी 2009 में जब मेरी शादी हुई तब मैंने लिया था पति पत्नी दोनों लोगों ने अब वो अचानक बंद हो गई तो मैंने यहाँ आया मैं कि भाई पोस्टपेड हो गई तो चलो यहाँ से हाँ लेना पड़ेगा मैं आके यहाँ पे मिलता हूँ मैडम से तो आप बोल रही हैं कि 90 दिन बाद आपकी सिम चालू होगी और क्या प्रोसेस है मैडम बताएं सर पोस्टपेड नहीं हुआ इनका वेरिफिकेशन उसमें नेटवर्क कम था और 11 तारीख को अपने आप बंद हो गई सिम और एयरटेल में बहुत कम ही नेटवर्क मिलता नहीं तो ये बताइए अपने आप बंद हुई तो मैसेज आ रहा नो कोई मैसेज नहीं आया कोई मैसेज नहीं आ रहा एडवांस में बैलेंस भी 2 महीने का था इसके बाद भी मेरी सिम बंद हो गई मैं बता चुकी हूँ आपको बंद हो गई थी सिम में अचानक अब क्या कहा लगे अब तो बोले कि चार मध्य प्रदेश के हम विंध्य में मौजूद हैं और यदि अपना के लगे एयरटेल के सिम ही तो अपना सावधान हो जी सतर्क हो जी कहे कि एयरटेल के सिम में ऑटोमेटिक जो है गड़बड़ी हो रही है और जांच के नाम पर कब ओका बंद कर दी जाए अपना नहीं जानी कहे कि हम मौजूद हैं सतना के एयरटेल स्टोर में हम रीवा से आए हैं और यह रीवा से आए के बाद यहाँ के जो बैठे वाले अधिकारी अफसर हैं उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा एक अभियान चलावा जा रहा है और वह अभियान के तहत अपना के सिम बंद की गई ही हमारा फ़ोन नंबर है 9685656506 वह नंबर का रीवा में जब चेक कराएं तब यह बतावागा कि वह पोस्टपेड हो गया है लेकिन जब सत्ता के एयरटेल ऑफिस में आए तो यहाँ से कहा जा रहा है कि भारत सरकार ओमा जांच पड़ताल कह रही है और 90 दिन बाद वह नंबर चालू हुई तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के जो अपना का बेहद सावधान और सतर्क करे के खातिर आए कहे कि यदि एयरटेल के सिम ले थे तो वह सिम अपना का परेशान नहीं बेहद परेशान कह सकती थी कहे कि एक सिम में बेहद ज़्यादा जो है कॉन्टेक्ट शो थे और कॉन्टेक्ट के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह होती कि आखिरकार वह नंबर से कई एक थे बैंक खाता जुड़े होते बैंक खाता जुड़े हो के साथ साथ ओ माँ फोन पे या फिर अन्य कोनो ऐप चलाई थे तो अपना मुसीबत में आ सकी थी कहे कि हम या अपना के एयरटेल स्टोर में आ चुके हैं यहाँ अधिकारी मौजूद हैं उनसे जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार या जो कुछ भा है हमारे नंबर के साथ वह कितने नंबरन के साथ भा है और का कुछ या नया नियम है जो उन्हें मान लोग परेशान हो रहे क्या नाम है मैडम आपका फिर बताइए OTP मैडम आपका नाम क्या है सर प्राची पांडे मैडम ये बताइए ये लोगों की सिम जो है एकाएक बंद हो रही है वजह क्या है सर से बात कर लीजिए चलिए तो हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने नहीं हूँ हाँ आप ये सब मेरा मत बनाइए वीडियो अपना को आए हैं मैं भी यहाँ काम ही करता हूँ वर्कर हूँ यहाँ पे नहीं तो क्या नाम है आपको मैं नाम नहीं बता सकता चलिए ठीक है अबे हम 9685556506 वो मैडम बताएंगी ना सर मैडम से मैं चेक करवाता हूँ वो आपको बता रहे हैं नहीं तो ठीक है अपना चेक करवाइए नहीं बता सकते सर या हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है इसके लिए कंपनी से आप कैसा बंद हो गया नंबर क्लोज कर लो आपको बता दिया जाएगा सर नहीं तो हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है ना सर नहीं तो यह बताइए ये अकेले हमार भर समस्या आप बहस जबरदस्ती की नहीं तो चलिए चेक करवाई ना हम तो खड़े हैं ना अपना कहूँ में चेक करवाऊ अपना एयरटेल से है अरे हम सिम ले आए क्या नाम है अपना के भूपेंद्र पांडे क्या हो गया अपना सिम हमारे साहब की सिम बंद हुई है कैसा बंद हो गया अभी यार वो नहीं जाने वो भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट पोस्टपेड सिम आ रही है हमारा CUG रहा थी कंपनी से तो हमारे साहब के बंद हो गए तो हम उनके खातिर आए चलिए अपना क्या नाम है मेरे नाम मिस्टर आशीष कुमार साकेत कहाँ से है सिंधी के अमरतो सिंह बस्ती ये बताइए कैसा बंद हो गया सिम कल रात को डाटा चालू किए थे और चालू डाटा रहा है मतलब सो गए थे ठीक है और सुबह सिम बंद मिली मेरे को चलिए तो कुल मिला कि यह एयरटेल में एक लंबा या
का चल रहा है या हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कहे कि जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं उन खुलेआम जो है यह बात का स्वीकार तो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है, कहे कि इतनी भीड़ जो है या कोनो जमा की गए भीड़ ना हुए या बकायदा ये बेचारे परेशान लोग ही जे लगातार ऐठे आबत हैं और इनकर सिम बंद हो गई ही, अचानक बंद हो गई ही, काहे बंद हो गई ही, शायद अपनों ही अपना कहना। सचिन वर्मा कहाँ क्या है? बैंक कॉलोनी। तो अपनों बंद हो गई, हमारा सिम हरा गई है निकालवाने। अच्छा, अपना के इनके साथ। अच्छा, अपना कहाँ हो गया भाई साहब? मैं प्रीपेड से पोस्टपेड कराने आया हूँ, अश्विनी कुमार नाम है, जवाहर नगर सपना। मतलब नेटवर्क तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं, चलिए कुल मिला के अपना बच्चे खुशकिस्मत हैं, मगर कुछ लोग बदकिस्मती वाले हैं, ठीक, चाहे हम हो चाहे मैडम। चलिए ठीक है, हालांकि मैडम ऐठे अपना का प्रीपेड से पोस्टपेड तो बनाए रही हैं, लेकिन जे प्रीपेड वाले रहे, हम पुरान कस्टमर रहे, 2009 में हमारा शादी भय और वह दौरान हम अपने वो अपने मिसेज दोनों खातिर वसीम लिहन, लेकिन आज 2009 के बाद आज 2024 आ चुका है, इतने लंबे तक हम कस्टमर रहे एयरटेल के, लेकिन एकाएक वह कस्टमर का एयरटेल गुमराह कर रही है। एयरटेल लगातार जो है हम 2 महीना से यह परेशानी के कहे कि रीवा के लगातार हर ऑफिस में हम जाए कि पता करें कि आखिर काहे सिम से नेटवर्क गायब हो गया, लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया कि सतना में मेन ऑफिस ही वहाँ जाए के पड़ी। 2000 रुपया लगाए कि हम सतना आए, कहे कि अपने गाड़ी से आए और ओके बावजूद यहाँ एक माकूल जवाब नहीं दिन जा रहा है। हालांकि मैडम के बारे में अपना कह रहे हैं कि मैडम जवाब दे ही, मैडम बिल्ला नहीं तो थोक अब खाली हो जाइए तो हम बातों करब कि आखिरकार का वजह ही कि हमें सिम बंद हो रही है, लोगन के सिम से नेटवर्क गायब हो रहा है। कहे कि यदि अपना सर्विस सेक्टर में हैं, सेवा प्रदत्त जगह में हैं, तो अपना का जवाब तो दे कर पड़ी। कहे कि हम बचे प्राइवेट सुविधा ऐसे उपयोग कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा मिले, और यदि एयरटेल मैडम मैडम सर से अभी मैंने बात की तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं बोलेंगे, मैडम बोलेंगे। क्या कुछ हुआ है? बता दिए प्रोसेस, बता दिए। नहीं तो बताइए ना क्या प्रोसेस हुई है। तो बैठ जाते बताते। 2000 रुपये में लगा के आए हूँ मैडम एक सिम के लिए। क्या वही प्रोसेस रहेगा? ये क्या हो क्या गया है? हमारे फोन में हुआ क्या है सर? वो सिस्टम में तो सर यह तो बता दी कि कब भाग कहा है हमारे सिम्मा। अभी मैं इनका कर रहा हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए। हम पहले यहाँ तो हमारे कर अब अधिकारी अफसर के घंटे से बैठे हैं सर, वो गैस नहीं बना था। अरे 2 घंटा खड़े। चलिए तो कुल मिला के यह है एयरटेल के रिस्पॉन्स। यह प्राइवेट सेक्टर है, कहा था कि मोदी जी सब प्राइवेट से कह रहे हैं, कहे कि ज्यादा सुविधा मिली, लेकिन सुविधा के नाम पर कहूँ में गंदा मजाक हो रही। अपना का नाम है? हमारा राजनंद पांडे नाम। अपना कैसे ठाड़ हम हो गया? हमारा ऊपर ऑफिस है, नीचे थोड़ा मैडम से काम था हमारा। अच्छा, वैसा पर्सनल पर्सनल काम। चलिए ठीक है, तो मैडम से हमारा काम है, मगर मैडम कुछ ज़्यादा व्यस्त हैं और निश्चित तौर पर यह व्यस्तता ठीक है, लेकिन संतुष्टता हो चाहिए। हमहू मौजूद हैं नेठे सिर्फ एक खातिर कि अपने खातिर नहीं, हमारे तरह के कई थे ऐसा लोग हैं, जैसा अभी एक जने भाई साहब कहें कि हमार रात के नेट चालू करें ना, सुबेरे सिम से नेटवर्क गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैडम कुछ करी लागे हमार की सर ने प्रोसेस कर दू ना एक पहले मेल आईडी डाली है। चलिए तब चलिए तो कुल मिला के हालांकि मैडम अपना का हुई है? नहीं मेरा कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। तब प्रोसेस का ही करें? मैं जी सॉरी वी आई से एयरटेल में जा रहा हूँ, वी आई का नंबर है मेरा, उसको मैं एयरटेल में पोर्ट करवा रहा हूँ। चलिए तो हम इंतजार करें, हम हो जाए कि ना हो पाई वही बताएंगे, मैं फोन में बात कर रहा हूँ। चलिए तो यह एयरटेल के ऑफिस आए जहाँ मौजूद हैं, देख सकी थी कि यह ऑफिस में लिखा लाग है कैन आई एड मोबाइल डीटीएच एंड फाइबर इन वन प्लान। हालांकि बहुत सारी सुविधा के दावा वादा किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति का ही अपना हमहू कस्टमर आए हैं जो रीवा से आए हैं,
लेकिन स्थिति का ही यदि अपनों के मोबाइल में नेटवर्क गायब हो जाते हैं तो अपनों को सपना आवे के पड़ी यह जान ली रीवा सीधी या अन्य जगह यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और सीध सपना जब वह अपना तो अपना का कौन सुविधा के लाभ मिली वह अपना देख सकी थे। हालांकि चलिए अब हम तो पूरा प्रोसेस देखिन के जाब कि आखिरकार यह सिम बंद कैसा भय वो चालू कैसा हुई कहे कि जरूरी यह है कि आखिरकार एक फ़ोन नंबर इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है आदमी सब समझता है और एक बिना कोनो सूचना की जानकारी के कहे कि रीवा हम गए तो रीवा में हमसे यह कह देगा कि यह नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है लेकिन जब एठे आई थे तो एठे भारत सरकार के हवाला दिन जाते वो अपना के द्वारा कहा जा लगे कि भारत सरकार के नियमावली में वो नंबर चेकिंग में रहा और 90 दिन बाद नया नंबर अलॉट हुई। हालांकि जो कुछ कहा गया है मैडम यदि अपना खाली हो गए हुई तो हमका दूसरा 5 मिनट चलिए तो कुल मिला के 5 मिनट और हम तो अब कहें ना कि अब यदि 2500 रुपये खर्च करके आए हैं तो हम यह पूरा सिस्टम समझे आए हैं कि आखिरकार अचानक नंबर कैसा बंद हो रहे हैं और वो एयरटेल के बंद हो रहे हैं कहे कि एक साथी और रहे हैं थे जिनका नंबर बंद था और कल रात में अचानक बंद हो जाते हैं उनका नंबर और काहे बंद हो गया अपनों के नंबर बंद है कैसा बंद हुआ क्या नाम है अपना खुशबू त्रिपाठी ऐसे एक फ्री ना कैमरा हाँ खुशबू त्रिपाठी कहाँ से है अपना मैं नागौत से हूँ रहिकवारा से यहाँ अपना सिम नहीं मैं यहाँ रेंट में रहती हूँ बच्चे को पढ़ाती हूँ तो कहाँ हो गया दिक्कत कहाँ हो गई कुछ नहीं हो गया 10 तारीख को मतलब उसमें नेटवर्क कम था और 11 तारीख को अपने आप बंद हो गई है सिम हाँ और एयरटेल में बहुत कम ही नेटवर्क मिलता है नहीं तो ये बताइए अपने आप बंद हो गया तो कोई मैसेज आ रहा अपना नो कोई मैसेज नहीं आया कोई मैसेज नहीं आ रहा एडवांस में बैलेंस भी 2 महीने का था इसके बाद भी मेरी सिम बंद हो गई हाँ पोस्टपेड कराए रहना नहीं कुछ नहीं कराई मैं अभी यहाँ आई थी कल रात में तो यज्ञ बताई सपना का कि यहाँ आवे का परी हो नहीं मैंने मतलब दूसरे के फ़ोन से कंपनी को फ़ोन लगवाया था तो उन्होंने बोला कि किसी भी एयरटेल शॉप में जाके मतलब अपने लिए तुम दूसरी सिम निकलवा लेना हाँ तो वो 50 रुपये लगेगा और 2-3 घंटे में चालू हो जाएगी तो मैं फिर यहाँ पता करते करते आई हूँ चलिए तो कुल में हाँ चलिए खाली हो गया मैडम मैं बता तो दिया हूँ आपको बंद हो गई थी कल सिम में अचानक अब क्या कहा लगे अब तो बोले हैं कि 4 घंटे में चालू हो जाएगी सिम तो दे दी नई सिम हाँ मेरे को मिल गई नई सिम कितना दी पैसा कितना दिया मैं 50 रुपये दिया हूँ तो कुल मिलाएगी 50 के खेल तो न हो यह एक सवाल उठ रहा है कि 50 रुपये खातिर कासिम के नेटवर्क गायब किए जा रहा है और वह को कह रहा है एयरटेल का 5G नेटवर्क खातिर जो है स्पेक्ट्रम मिला है लेकिन यह का कर्ज भरे खातिर जनता के छाती में मूक दरीजी सवाल बेहद बड़ा लेकिन जवाब नहीं मैडम अब चलिए अब हमारा देख लीजिए 5 मिनट हो गए हाँ बताइए अब का अपना बतावे चाहिए थे वो हमारे नंबर के बारे में का जानकारी दे 9685-5656-06 हाँ ये चीज़ खोल रहा ना कि वहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट ऑप्शन दिया हो 217 रिक्वेस्ट इस बना डबल बन चलिए अब एंटे हम मौजूद हैं हालांकि अब हम मीडिया से हैं हम रीवा से आई लागे यह है जो मैं अपना के साथ भाई वो मैं हमारे साथ भाई रीवा से कहीं सतना जाए के परी अपना का सिम ले खातिर ऐसा क्यों होता है अब यह जो जान लेता हम काहे कहे थे अपना पूछी थे तो अपना 5 मिनट इतने टाइम से मैंने अपनी भी सिम चलाई इतने सालों से कम 7 साल तो हो ही गए 5 या 7 साल इसके बाद भी ना मतलब बैलेंस की कमी आई ना कुछ हुआ इसके बाद भी सिम अचानक और एडवांस में 2 महीने का मेरा रिचार्ज भी था इसके बाद भी बंद हो गई। चलिए यह तो वजह जाने खीतिर हम हुए थे मैडम के लगे नंबर ही पूरे गोल हो गए मेरे सिम में जो सेफ थे नंबर ही पूरे गोल हो गए हाँ और इसके बाद फिर अब बंद हो गए नेटवर्क चला गया हाँ मैडम हमारा कुछ कह दी नहीं तो फिर बंद करिए इसको हम आपको बताते हैं बंद करने के बाद बताओ सर क्या बात करना है इनका
बताओ जो डिटेल है। नहीं आप वही एड्रेस वेरीफाई उनका बंद हो गया है वेरिफिकेशन में। पर नहीं दिखाएंगे उसको आप बता आप अपनी स्क्रीन मत दिखाइए, मगर ये बता दीजिए कारण क्या है हमारी सिम बंद होने का। 50 रुपया चाहिए या फिर और कुछ वजह? 50 रुपया नहीं लगता जो आपका हुआ है, उसमें कोई पैसा ही नहीं लगेगा आपके उसमें। वेरिफिकेशन में 2500 रुपया लगा के आए ना, नहीं पाई लगा। वेरिफिकेशन में नंबर आपका बंद हुआ, वेरिफिकेशन में। क्यों अभी तक तो 9 साल से चल रही है। इतनी पुरान सिम है, 2009 में हमारा शादी भाई, वो दौरान हम पति पत्नी दोनों जने सिम खरीदन। ऑफर वाली सिम रही कि जब हम फोन लगावर रहे तो सामने वाले नंबर में फ्री रह रहा फोन। ये 50 रुपये क्यों लिए जाते हैं जब मतलब उसमें पैसा ही नहीं लगना है तो क्यों लिए जाते हैं ये? चलिए तो कुल मिला है कि मैडम यदि अपनों के जवाब दे सकी अपना, हालांकि अबे हमारे नहीं मिला तो अपना का दे ही। मैडम हमारे बारे में कुछ बताओ कि बंद करब कैमरा तब बताओ। सर वो वेरिफिकेशन में नंबर बंद हुआ है आपका। कब है चालू हुई हुआ? आपको बताए तो हैं सर, क्या बताए हैं? अब सर अपना सर का अपना कहा थे, अपना सर का कही थे, हम कहाँ चले जी? मतलब हम तो परेशान हो गए, ये एयरटेल की सिम ना हो गया, हमारे मुड़े पीड़ा हो गए और हमारे यहाँ पता नहीं। सर बताओ दो आप अपना खीतर कहती हैं। 2 मिनट हाँ। देखो नंबर और डिटेल बता दो सर को जो हाँ। भी है, कब बंद कब चालू होगा। हाँ बस 90 दिन बाद ही आपका नंबर मिलेगा। काहे 90 दिन खातिर बंद भामा नंबर? वेरिफिकेशन में आपको एक मैसेज आया होगा, आपने वेरिफिकेशन का मैसेज देखा नहीं है। वेरिफिकेशन हुआ नहीं तो नंबर बंद हो गया। नहीं तो ये बताइए जब सिम हमका दिन गए रही का बिना वेरीफाई करे दिन गए रही। अभी गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन हो रहा है सर, गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो सिम हमका जो दिन गए रही वेरीफाई नहीं कई के दिन गए रही, अब उनसे वेरिफिकेशन नंबर आपके चालू हो गया। उनका पूछिए अपनी वाइफ का वाला नंबर चालू हो गया, वाइफ वाला यही दोनों नंबर है ना आपके, एक ये हो गया। चलिए तो देख ली एयरटेल के हाल, अब 90 दिन बाद वो सिम हमका मिला थी कि नहीं या ईश्वर जाने। ये बताइए मैडम 90 दिन बाद मिल जाएगी नंबर हमारा जी अपना देख। हमारा भी है, हमारा सुबह से आज फोन नहीं आया है। हम सुबह से पूरा दिन आज इंतजार करते रहे, आए आज अभी तक हम चेक करवा के आए हैं कि हमारा फोन क्यों नहीं आता है। तो अभी बगल में भी गए हैं, अभी चेक करवाए तो बोले हैं कि तुम्हारा सिम बंद है। क्यों बंद है भाई? तो अपने आप बंद हो गया। हाँ अपने आप बंद हो गई। कहाँ गया है अपना? हम धवारी के हैं, धवारी चांदमारी रोड गली नंबर 1। अपने आप सिम चला? अपने आप बंद हो गई। अभी कल रात तक बात हुई है, कल रात तक बात हुई, आज सुबह से हमारा फोन नहीं आया। पूरा दिन हो गया हम इंतजार किए कि आज हमारा फोन क्यों नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया है। हाँ तो अभी मैंने जब आपको इधर देखी हूँ मतलब ये क्या हाल मचा, मैं इसीलिए आई आज यहाँ, कंपनी ढूंढते ढूंढते मैं आई हूँ। और फिर अभी जाके चेक करवाई कि मतलब मेरे आज फोन क्यों नहीं आया है, तो अभी लगाए तो बोली तुम्हारी सिम ही बंद है। चलिए अपना मैडम से पूछी कहाँ हो गया है अपना सिम, आई पूछी पूछी मैडम हमारा ना देखी अपना के नंबर बताई कहाँ। बैठ जाइए मैं फ्री होके आपको बताती हूँ, क्या करके बताऊंगी ना जब फ्री हो जाऊंगी। तो अभी ये इतने लोगों के नंबर काहे बंद हो गया है, वजह बताइए। बताइए पूरी रात तक सब लोग बैठे रहेंगे यहीं? नहीं ये ठीक है, बताइए कितने लोगों के कैसे नंबर बंद हो रहा है? सब अपनों को मैसेज आ रहा है, आज ही बंद हुआ है, आज ही मैसेज आ रहा है। हम नहीं जानते कोई मैसेज आ जाए, अब सो ही पड़ जाता, सोते तक तो बात हुई है हमारी रात में, और रात के बाद अब हम क्या जाने की अब रात में क्या हो गया, सुबह से तो फोन ही नहीं आया है। यह बताइए सर कि कैसा लोगन के नंबर बंद हो रहा है, वजह कारकारी है, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, हमारे पास नहीं है कुछ भी। आपको जो सबसे 50 रुपया ले खीतर बड़ा तेज है। हमको तेज हम नहीं ले रहे हैं, पर्सनली हम नहीं ले रहे हैं। हाँ। कोई भी दिक्कत है आप 1-to-1 में बात कर सकते हो सर। अपना बात करी ना कि इतने कस्टमर खड़े लगे, आप काम नहीं करने दे रहे हो ना, आप ही तो डिस्टर्ब कर रहे हो सबको। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर? आप देखिए मैं ठीक है तो आप ही कर लो, बैठ जाओ, आप ही काम कर लो, आप ही कस्टमर से बात कर लो, हम लोग को तो करने नहीं दे रहे हो। ठीक है ढूंढते ढूंढते कंपनी ढूंढते ढूंढते परेशान होके आए हैं, पूछते पूछते आए कि कहाँ है कंपनी। कई साल पुरान सिम है अपना? हमारी 4-5 साल हो गई। हाँ चलिए तो कुल मिला की ये एयरटेल की स्थिति है, 90 दिन के हमका टाइम मिल रहा है, लगभग लगभग ऐठे 3-4 कस्टमर ऐसा मिले हैं जिनका अचानक सिम से नेटवर्क गायब हो रहा है। एयरटेल यदि ले जाए रहन सिम तो सावधान हो जी, सतर्क हो जी, हम साफ साफ बोल रहे हैं ना, उस साफ साफ अपना का बताया रहे ना, यह इकलौता स्टोर विंध्य में है,
इकलौता स्टोर रीवा में यदि केहू के अचानक सिम बंद होती तो ओका सतना आए परी, सीधी में केहू के सिम बंद होती तो सतना आए परी, सिगरौली में सिम बंद होती तो सतना आए परी। मतलब कुल मिलाए के स्थिति यह है कि खुलेआम एयरटेल जो है एक अविश्वसनीय लूट का अंजाम दे रहा है। अब और यह एक बड़ा घोटाला है, कहे कि 50 रुपये के नाम पर कस्टमर का एठ बुलावा जाते, 50 रुपया उसे वसूला जाते, सिम लीन जा दीन जाती, जबकि वह सिम पहले से उमा मौजूद ही फ़ोन में बकायदा उमा बात हो रहा थी, लेकिन वह सिम का एक प्लास्टिक के टुकड़ा का रिप्लेस करे खातिर नई सिम दीन जाती, वो कहा जाते उकर कीमत 50 रुपया है। तो मतलब कुल मिलाए के का सरकार सोए रही है और एयरटेल 5G के स्पेक्ट्रम ले के नाम पर यह कौनों बड़ा घोटाला तो नहीं कह रहा है, कहे कि 90 दिन के हमारा सिम तो ठीक है, हम सिम बदल दे, वो नंबर बदल दे, लेकिन हर व्यक्ति इतना परेशान हुई एक नंबर खातिर तो अपना खुद कल्पना कर सकी थी। भरोसा के नाम पर एक लूट मची है, यह लूट के खुलासा लगातार जारी रही था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। सर हमारी सिम जो है 6 महीने के लिए रिचार्ज थी और वो लाइट कर लो भाई, 6 महीने के लिए रिचार्ज थी, अचानक उससे नेटवर्क चला गया। मैं सीधी का रहने वाला हूँ, कनिष्क तिवारी हमारा नाम, वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि सपना जाना पड़ेगा, आपकी सिम पोस्टपेड हो गई। पोस्टपेड हो गई? हाँ, प्रीपेड सिम थी 2009 में जब मेरी शादी हुई तब मैंने लिया था, पति पत्नी दोनों लोगों ने, अब वो अचानक बंद हो गई। तो मैंने यहाँ आया मैं कि भाई पोस्टपेड हो गई तो चलो यहाँ से हाँ लेना पड़ेगा, मैं आके यहाँ पे मिलता हूँ मैडम से, तो आप बोल रही हैं कि 90 दिन बाद आपकी सिम चालू होगी। क्या, और क्या प्रोसेस है मैडम बताएं? सर पोस्टपेड नहीं हुआ इनका, वेरिफिकेशन में नंबर बंद हुआ। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। सर जब मैंने सिम ली थी वो फिर से सब तब नहीं, तो दोबारा भी मैंने सीधी में कमलेन सिंह है जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनके, वहीं पे मैंने मतलब ये वेरीफाई कराया, मगर मेरा कहना ये है तो मैसेज वगैरह भी कंपनी से गया होगा। हाँ, उसी में बंद हो गया, नहीं तो। और जैसे आपका, मैंने अभी आपसे भी बात की, आपका कैसे बंद हो गया बताइए ना। मेरा ही बस ऐसे ही बंद हुआ, बात करते करते कब बंद हुई, कितनी उनका सिम खराब हो गया जे? सिम खराब हो गया, आपकी सिम खराब हो गई, तो आपके पास सिम रही होगी? नहीं तो सिम खराब, कोई तो ना तो कोई मैसेज ना कोई सिम खराब होने का मैसेज कैसे नहीं तो बात करते करते अरे नहीं आता है कितनी खराब हो सिम ऐसे खराब हो गई खराब हो गई और कम से कम 50 अभी मैं कम से कम 10 लोगों से मिल चुका जब हम सिम का ऑलरेडी पैसा पे कर चुके हैं तो फिर क्यों हमसे आपकी सिम कब की है? आपकी सिम कब? बहुत ऊपर लेवल की बात, 6 साल की आपकी 6 साल की सिम है, मेरी सिम आप निकाल के देखिए, ये अभी लेटेस्ट सिम मैंने निकलवाई, क्योंकि इस फोन में वो बड़ी वाली सिम नहीं लगती तो छोटी वाली सिम मैंने निकलवाई, तब मेरा पूरा नंबर वेरीफाइड हुआ था। आपके उसमें क्या समस्या, कितना टाइम लगेगा? सर अभी इनकी बात करवा दिया ऊपर बॉस, वो बोल रहे हैं आधार कार्ड आप दो अप्रूवल लेके एक्टिवेट करवाते हैं। सर मैं इशू ये रहा, अभी आप लोग गवर्नमेंट से आपको पता होगा सर, ट्राई की तरफ से जो चल रहा है वेरिफिकेशन चल रहा है, अगर आपके नाम से नहीं है तो नंबर बंद हो रहा है या एक मैसेज आ रहा है। अरे ये बताइए क्या क्या बात है? वो तो बोल रहे हैं आधार कार्ड आप दे दो, हम 1-2 दिन के अंदर करवाते हैं, इवन ये सीडी से आए तो बोल रहे हैं कि सीडी में ही आपको एक्टिवेट करवा देंगे, अब इससे ज्यादा क्या है? नहीं मैंने ये कहा कि मैं चीज तो बताइए, 3 महीने तो बताया सर को मालूम नहीं, मैंने इनसे निवेदन ये किया, मैंने कहा सर 90 दिन यदि मेरा बैंक अकाउंट, उसमें 3-3 बैंक अकाउंट है, यदि उससे कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन करना हो तो मेरा तो 90 दिन गया, ठीक है, यदि मैं आपको नहीं जानता, इनको नहीं जानता, इनके बॉस को नहीं जानता तो 90 दिन में चला जाता जान के, तो इस तरीके ये कितने कस्टमर को इस तरीके से भ्रमित करते हैं और 50 रुपये पर कस्टमर ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं।
नहीं तो मैं इनसे ये चाह रहा हूँ, निवेदन मेरा ये है, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे लिखित दे दे कि मेरे सिम में दिक्कत क्या है। मैं उपभोक्ता फोरम जाऊँगा और वहाँ से लड़ाई लड़के इनसे मैं अपनी सिम निकलवा लूँगा और सारी चीज़ें कर लूँगा। मेरे ऊपर दया करने की एयरटेल को जरूरत नहीं। स्टिकी नोट में नहीं, प्रॉपर मुझे चाहिए सर। प्रॉपर नहीं सर, हम लोग भी ऑथराइज नहीं ना, अभी आप समझिए ना। ये तो आप उनसे तो फिर मैं सर को एक आवेदन दे दे रहा हूँ, सर जांच करेंगे पूरे मामले। जो बॉस होंगे उनसे इंचार्ज से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई। तो वो लिख के तो दे रहा इसमें दे रहे हैं सर, सर इसमें दे रहे हैं ये लिख के, ये इस तरीके के उसमें लिख के दे देंगे हमको। हमको प्रॉपर एक सील लगा के एयरटेल की देंगे आप। सर ये हेड ऑफिस है, इनके जो समस्या है उसको आप नोडल से भी मंगा के दे सकते हैं ना। आप मेल मंगा लो ना बॉस से अपने, मेल पे बॉस का नंबर दिया है ना सर, तो वो एक बार आप भी बात कर सकते हो अगर कोई इशू है। हमारे तरफ से तो हम काम सर, मैं कनिष्क तिवारी हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे साथ ये हो गया, ठीक है आप मुझे बॉस का नंबर दे दिए, मेरी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मगर एक आम आदमी कहाँ जाएगा, जैसे आप दीदी हैं, दीदी का नंबर अचानक बंद हुआ, आप 50 रुपए ले रहे हो उनसे, आपसे वसूल रहे हो, कई कस्टमर यहाँ पे थे उनसे। हाँ जनरल प्रॉब्लम है हर ऑपरेटर में सर, आप जियो ऑफिस जाओ, आइडिया ऑफिस जाओ, बीएसएनएल ऑफिस जाओ, के सब में ये आपको मिलेंगे। सर मैं पहला कस्टमर हूँ कि 2009 में मैंने बकायदा ये सिम ली और सर आज दिनांक तक अन्य सिम भी यूज़ किए, कहीं भी मुझे ये नहीं कहा गया कि आपकी फला जगह सिम का डेटा नहीं है। मेरा डेटा ही डिलीट हो गया है पूरे सिस्टम से, और ये कहा गया कि आप सतना जाओगे, आपकी पोस्टपेड हो गई इसलिए वहाँ से मिलेगा आपको। तो मतलब मेरे पास क्या इतना समय है, या 2500 रुपये मैं वहाँ से लगा के यहाँ पे आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, और आपका रिस्पॉन्स ये है कि 90 दिन आप मुझे टाइम दे रहे हो। मतलब एक आम आदमी होगा तो कितना परेशान होगा आप कल्पना कर लीजिए। बस आप ही यदि मेरी जगह होगे, किसी का मेन नंबर होगा, 3-3 बैंकों में ऐड होगा, तो ये बताइए वो क्या करेगा, 90 दिन वेट करेगा क्या आपकी कार्यवाही का? आप मुझे रिटर्न में देने में क्या आपत्ति है? आप अपने सर से मेल करा लो कि किस वजह से मेरी सिम बंद हुई है। मैं उपभोक्ता फोरम जाऊंगा इसके लिए सर, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3 बैंकों को चेंज कराऊंगा और जो भी प्रोसेस होगी मैं सह लूंगा। मुझे रिटर्न में आप दे दो कि आपकी किस वजह सिम बंद हुई है और क्या प्रोसेस है इसको चालू कराने की। मुझे ऑन द फेलियर प्रोसेस नहीं चाहिए कि आप मुझे फेल प्रोसेस बताओ। आपके यहाँ से तो ना एयरटेल ऑफिस चेंज किया था, उन्हीं से बात करवाया। यहाँ आने से वही देखते ही तो है। कहाँ हो? रीवा में गए होंगे सर, वो फील्ड में होंगे इस समय, तो रीवा में होंगे। मैं रीवा से आ रहा हूँ भैया, रीवा से आ सर, मैं उन्हीं से बात करवाया हूँ, नंबर भी दिया हूँ। मैं इससे ज्यादा क्या बोल दूँ बताइए। अब मुझे मेल दे सकते हो आप, क्या मेल दे सकते हो जिसपे मेरे सिम के बारे में सारी जानकारी हो कि क्यों बंद हुआ और क्यों उसका रीजन क्या है? बात कराने के अलावा कुछ मेल वगैरह की है? नहीं, मेल किस चीज का? इनकी सिम एक्टिवेशन तो के लिए। वो करने दें तब ना, ये पहले अपना ये प्रोसेस कर लें, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट मांगे तभी तक है ना। बैठे चलिए, आप करिए। आप जो है ऐसे सामने इस तरीके से सब करके सर नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, जो आप एक्टिवेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो ये अपने कंपनी को मेल करेंगे, ठीक है? उस मेल का आपको भी वो मेल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मेल से ही भेज देंगे, या चाहोगे तो आप प्रिंट आउट भी कर देंगे। क्यों? नहीं, मेल पे हम इनको बता देंगे, अपनी मेल आईडी दे देंगे कि आपका एक्टिव हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो आप मेल अपने कंपनी के ऊपर भेजेंगे इनकी आईडी वाईडी के साथ में, वही मेल इनको हमको फॉरवर्ड कर दो। इससे क्या आता है बस वो, मैं ऐसे कैसे किसी का मेल किसी को मैं बात कर रहा हूं। मेल नहीं कर रहा, सुनो आप मेरी बात, सुनो मेरी बात। इनकी समस्या को लेके आप कंपनी को मेल करोगे, आधार कार्ड वगैरह जो भी, उस मेल को इन्फॉर्मेशन इनको सीसी कर दीजिए ना मुझे। मैं पूछ लेता हूँ, और सर मैं तो ये कहता हूँ देश भर में एयरटेल के यदि 25% भी यूजर आप मानते हो, तो 25% यूजर में 25 करोड़ लोग होते हैं, और यदि 25 करोड़ लोगों से 50 रुपए इस तरीके से वसूला जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसके लिए तो उपभोक्ता फोरम नहीं, तो इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। मुझे यदि प्रॉपर एक कंपनी की ओर से मेल मिल जाए तो मैं उसको लेके वहाँ पे कंपनी पे मेल भी कर सकते हैं, तो रिस्पॉन्स देंगे नहीं देंगे तो आप उसी को लगा सर। मैं कंपनी के सोचिए सीधी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंप्लेंट से, वो उसने मना कर दिया। मेल आईडी इनकी हमें मिल जाएगी,
इसके लिए बृहद आंदोलन कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं। नहीं, एक कुलगवा थाने में सुनिए, सर को एक एप्लीकेशन दे देते हैं। कोतवाली आपको जाना पड़ेगा, वो तो आपके कहने पे मैं आ गया था, ये एरिया हमारे में नहीं है। नहीं, आपने फोन किया। हां हां, इसीलिए आप बिल्कुल ठीक है। जो है प्रिंट आउट आपका जब काम हो जाएगा, काम नहीं, जो आप इनके प्रोसेस पे डालेंगे वही जो काम हो जाएगा, मेल के बाद काम हो जाएगा, वो मेल का आपको प्रिंट आउट दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरी सिम क्यों बंद हुई सर, मुझे उसका मेल चाहिए। तो वो प्रिंट आउट आपको दे देंगे। ठीक है भैया से बात करवा, हमारे भैया चले दिवाली। ठीक है भैया।